अलैकुम क्लास, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? वालेकुम यस मैम। अस्सलाम मैम। यस मैम, मैम लेकिन दूर से आ रही है। चले अभी इसको पास कर लेते हैं। शाम को बेटा 6 बजे आज आप लोगों का क्विज है, एक रिमाइंडर दे रही हूँ, ठीक है? अगर किसी को नहीं पता तो पता चल जाना चाहिए अब तक। हाँ जी महनूर मैम वो टाइम का बता दे, वो कितने एमसीक्यूज आएंगे वो भी बता दे। बेटा 10 MCQs होंगे, 15 मिनट्स आपके पास हैं। मैं एक ईमेल भी कर दूंगी आप लोगों को उससे पहले, और 6 बजे आपका स्टार्ट होगा, ठीक है? और अच्छा हाँ, LMS के ऊपर ही होगा बेटा। अगर किसी का प्रॉब्लम है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो मुझे प्रूफ के साथ जो है वो ईमेल पे सेंड करो और मुझे बताओ विद प्रूफ अगर जेन्युइन इशू है। अदरवाइज अपना जो LMS है उसको आपके पास टाइम है पूरे दिन का, जल्दी से ठीक हो जाने वाली चीज है ये, कोई बहुत ज्यादा लंबा टाइम नहीं लेता। इसको आप लोग LMS को जो है ना वो अपना फंक्शनल करें अगर किसी का प्रॉब्लम है, अदरवाइज क्विज जो है ना वो मिस हो जाएगा। अगर कोई बहुत जेन्युइन इशू है तो फिर मुझे उसका जो है ना विद प्रूफ सेंड करो, ताकि फिर मैं उसका ऑल्टरनेटिव आप लोगों को बताऊं उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को। बाकी सबका जिनका ओके है उनका सबका LMS के ऊपर ही होगा। मैम मैम ये जो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है और साथ में CTS है, मैम अगर कोई सिम्टम्स जो है वो इनके मैच करते हुए, जैसे डबल क्रश इंजरी में हमें पता चल जाएगा ना डिफरेंस, अगर इस तरह क्वेश्चन आता है? मैं कोशिश यही की है कि इस किस्म के क्वेश्चंस ना हो जो कि कंफ्यूजिंग हो, या अदर, या फिर ये है कि उसमें ऑप्शंस में जो है ना वो कंफ्यूजन्स ना हो, कोशिश मैंने यही की है। बाकी बाहर देखते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो देख लेंगे, ठीक है? थैंक यू मैम। चलें आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का लेक्चर जो है ना वो उसमें ज्यादा चीजें हुई हैं जो हमने अभी पिछले लेक्चर्स के अंदर कवर की हैं, ठीक है? लास्ट टाइम जो हम चीजें पढ़ रहे थे वो हमने बेसिक जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क और फेसर जॉइंट्स का, पिछले दो लेक्चर्स में हमने इस चीज को कवर किया है, पैथोमैकेनिकल रिलेशनशिप को, देन सॉफ्ट टिश्यूज और मसल्स की पैथोलॉजीज देखी थी और स्पाइनल इंस्टेबिलिटी देखी थी, और बिल्कुल जनरल सी जो मैनेजमेंट है उसको हमने जस्ट इंट्रोडक्शन उसका लिया था कि फेजेस कौन से होते हैं और उसमें मेजर फोकस आपका किन चीजों के ऊपर होगा। तो आज इस जो मैनेजमेंट है इसको जरा थोड़ी डिटेल से पढ़ लेते हैं। चीजें वही हैं जो हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है ना वो डिस्कस की थी और बार बार डिस्कस होती रही हैं। तो और चैप्टर टू में बेसिक आपने ये चीजें हर चीज के अंदर पढ़नी है, प्रोटेक्शन फेज, मॉडरेट प्रोटेक्शन फेज और फिर मिनिमम प्रोटेक्शन फेज, ये सारी चीजें आप लोगों ने इसी सीक्वेंस के अंदर हर प्रॉब्लम से रिलेटेड आपने इसको पढ़ना है। तो अब अगर स्पाइनल प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर हम देखें और उसमें हम एक्यूट स्पाइनल प्रॉब्लम्स की बात करें, पिछले लेक्चर्स में हमने एक्यूट और क्रॉनिक वगैरह का डिफरेंस पढ़ा था, अगर हम एक्यूट की बात कर रहे हैं एक्यूट प्रॉब्लम्स की, तो इसमें क्या है जनाब, सबसे पहले जो अंडरलाइंग इम्पेयरमेंट आ रही है, लाइक पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है, जैसे हमने पिछली दफा भी डिस्कस किया था कि आपके ADLs इफेक्ट होते हैं, अगर ADLs इफेक्ट हो रहे हैं तो डेफिनेटली IADLs भी इफेक्ट होंगे, राइट? तो जो मेजर प्रॉब्लम आएगा पेशेंट का वो क्या है, मेजर जो आम रूटीन की बहुत जरूरी एक्टिविटीज हैं उनको करने में प्रॉब्लम आएगा, राइट? अब उसमें आपका बताने वाला क्या काम है, आपके करने का क्या रोल है उसमें, डेफिनेटली पेशेंट की एजुकेशन इंपॉर्टेंट है कि जो डेली एक्टिविटीज हैं आपने उनको बताना ये है कि पेशेंट ने वो किस तरह से एग्जीक्यूट करनी है। लाइक सेल्फ मैनेजमेंट बेसिकली ज्यादा बताना इसमें रोल है कि आपके पेशेंट को पता हो कि कौन सी मूवमेंट उसको इस एक्यूट फेज के अंदर करनी है, कौन सी नहीं करनी, किससे अवॉइड करना है, किसको जरा प्रिकॉशन के साथ करना है, ये सारी चीजें पेशेंट को आपने गाइड करनी है, ठीक है? अब सिम्टम्स रिलीफ और कंफर्ट बेसिक इसमें आपका रोल है, पेन मैनेजमेंट होनी चाहिए जिसमें आप थ्रू मोडालिटीज भी पेशेंट को जो है वो बता सकते हो उसकी पेन रिलीफ को, मेडिकल ट्रीटमेंट भी इसमें चलेगा, ये सारी चीजें हमने पीछे लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ी है।
पेशेंट फील्स कॉन्स्टेंट पेन स्टिल ही कैन फाइंड ऑप्टिमल पोजिशन फॉर सिम्टम्स रिलीफ, ठीक है, क्योंकि हमारा जो मस्कुलोस्केलेटल पेन है वो बेशक अगर एक्यूट में आपका कॉन्स्टेंट पेन भी रहता है तो कोई ना कोई ऐसी पोजीशन जरूर पेशेंट को मिलती है जिसमें वो रिलीफ फील करता है, ठीक है। तो ये क्या है, इसको हम इस पोजीशनिंग को हम कहते हैं फंक्शनल पोजीशन और रेंज बोलते हैं, ठीक है। और ये टर्म्स हैं जो कि अब हम ये फंक्शनल जो रेंज है या फंक्शनल पोजीशन है जिसमें पेशेंट को रिलीफ फील होता है वो हम टर्म्स उसके लिए क्या यूज करते हैं, वो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा, या वो फ्रैक्शन बाइस्ड होगा पेशेंट, या वो एक्सटेंशन बाइस्ड होगा, या फिर वो नॉन वेट बेइंग बाइस्ड, ठीक है। अच्छा, अब एक्सटेंशन वाइज फ्लेक्शन वाइज आपको अच्छी तरह से आइडिया हो गया होगा कि जो रिलीफ की पोजीशन है उसको हम वो बाइस्ड पोजीशन कहते हैं। एक्सटेंशन में रिलीफ है एक्सटेंशन वाइज, फ्लेक्शन में रिलीफ है फ्लेक्शन वाइज, नॉन वेट बेरिंग में रिलीफ है तो वो नॉन वेट बेरिंग बाइस्ड होगा। एक्सटेंशन वाइज जो आपकी प्रॉब्लम है या एक्सटेंशन सिंड्रोम है वो कौन से हैं, वो बेसिकली आपके हर्निएटेड डिस्क है या जो पोस्टीरियर साइड पे या पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है उसकी अगर कोई इंजरी है, क्योंकि अगर पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट रप्चर्ड है, उसके कुछ फाइबर्स टूटे हुए हैं, तो वो डेफिनेटली उस पोजीशन के अंदर ही रहना पसंद करेगा जिसमें उसके ऊपर स्ट्रेच कम से कम आएगा। तो स्ट्रेच जो है वो एक्सटेंशन की पोजिशन में इसके ऊपर लैक्सिटी होती है। ये टाइट कब होता है, ये फ्लेक्शन पोजिशन के अंदर या फॉरवर्ड बेंडिंग पोजिशन के अंदर टाइट होता है। तो एक्सटेंशन वाइज जो प्रॉब्लम्स हैं या जो सिंड्रोम्स हैं उसके अंदर आपने पेशेंट को जो पोजीशंस हैं वो एक्सटेंशन की ही रखवानी है। मैकेनिज्म इसमें बेसिकली क्या है कि जब सस्टेन फ्लेक्शन पोस्चर होता है आपका, रेपिटेटिव फ्लेक्शन मोशंस आप करते हो, तो आपके जो इंटीरियर स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर कंप्रेशन ज्यादा आता है, वहां पे फ्लूइड की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज्यादा रहती है। अचानक जब आप उस पर्टिकुलर एरिया में वापस जो है वो एक्सटेंशन की तरफ मूव करते हो तो फ्लूइड स्ट्रेसेस की वजह से रीडिस्ट्रीब्यूशन फ्लूइड की नहीं हो पाती है और आपके सिम्टम्स जो हैं वो एग्रोवेट कर जाते हैं या इंजरी जो है वो वहां पे बढ़ जाती है, ठीक है। इसी तरह से फ्लेक्शन बाइस्ड है, अगर पेशेंट लीन फॉरवर्ड पोजीशन के अंदर अपने आप को बेहतर फील करता है वो उसका फ्लेक्शन बाइस्ड पोजीशन है। और ये कौन से प्रॉब्लम्स हैं जिनमें पेशेंट जो है वो आपके पास फ्लेक्शन बाइस्ड पोजीशन के साथ आएगा, वो आपकी स्पाइनल स्टीनोसिस है, स्पॉन्डाइलोसिस है, स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस है। स्पॉन्डिलोसिस में आपको पता है ऑस्टियोफाइट्स बने होते हैं तो वो आपके स्टीनोसिस कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पेशेंट इस पोजीशन इन प्रॉब्लम्स के अंदर अपने आप को फ्लेक्स्ड पोजीशन के अंदर रखना बेहतर महसूस करते हैं। इसी तरह से फिर आपके पास नॉन वेट बेरिंग बाइस पोजिशन आ जाती हैं या सिंड्रोम्स है जिसमें पेशेंट की पोजीशन अगर आप उसको नॉन वेट बेरिंग करते हैं, लाइक आप पोजीशन इस तरह की अडॉप्ट करते हैं कि उससे ग्रेविटी का इफेक्ट रिड्यूस हो जाए या आपका बॉडी वेट उसके ऊपर से रिड्यूस हो जाए तो पेशेंट उसमें कंफर्टेबल फील करता है। सिम्टम्स ऑल्सो लेसन व्हेन स्पाइनल प्रेशर इज रिड्यूस्ड बाय लीनिंग ऑन अपर एक्सट्रीमिटीज। वही बात कि अगर जैसे आप चेयर पे बैठे हों और आप जो आर्म रेस्ट हैं चेयर्स की उसको यूज करें और उसके ऊपर अपना वेट जो है वो पुट ऑन करें तो आपकी जो स्पाइन है उसके ऊपर से आपकी अपर बॉडी का वेट रिलीफ होता है, ठीक है, वहां से रिड्यूस होकर आपकी आर्म्स के ऊपर आएगा। तो ऐसे पेशेंट्स भी आपके पास आते हैं जो आर्म्स के ऊपर जो है ना वो अपना वेट ज्यादा पुट ऑन करते हैं क्योंकि वो अपने आप को नॉन वेट बेरिंग करने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी तरह से बाय लीनिंग द ट्रंक अगेंस्ट द सपोर्ट और व्हेन इन अ पूल, जो लास्ट टाइम पे किसी ने मेरा ख्याल है बात की थी कि एक्वाटिक एक्सरसाइजेस की बात की थी, बिल्कुल यहाँ पे ये चीज आ जाती है कि वाटर के अंदर क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट जो है वो एज कम्पेयर टू अर्थ कम हो जाता है ग्राउंड, तो उस वजह से आपका पेशेंट जो है वो बेहतर फील करता है। तो ग्रेविटी सेंसिटिव पोजिशंस या जो मूवमेंट्स हैं जैसे कि स्टैंडिंग है, वॉकिंग है, रनिंग है, कफिंग से भी आपको पता है इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर राइज करेगा तो वो आपकी स्पाइन के ऊपर प्रेशर पुट ऑन करता है, ठीक है। तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो आपकी स्पाइन के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करती हैं उनसे अगर आप अवॉइड करें तो पेशेंट उसे अच्छा फील करता है। और वो कैसे आप कर सकते हैं, या आप उसको हाइड्रोथेरेपी जो है वो कर सकते हैं, एक्वाटिक थेरेपी जिसको हम बोलते हैं, या फिर आप पेशेंट को ट्रैक्शन के थ्रू क्या कर सकते हो, वेट को रिलीव कर सकते हो। काइनेस्थेटिक सेंस जो है ना वो जरूरी है, जैसे हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर पढ़ा, पेशेंट को आपने बताना ये है कि जो स्पाइन की पोजीशन है किस तरह से कंफर्टेबल होगी, कौन से मूवमेंट्स और पोस्चर्स के साथ उसकी रिलीफ करेगी। अब जैसे कि आप पेशेंट को बता सकते हैं पेल्विक टिल्ट्स बता सकते हैं, लंबर पोजीशनिंग की अगर हम बात करें, लंबर का पोस्चर अगर ठीक कराना चाह रहे हैं तो आप उसको पेल्विक टिल्ट्स बताइए।
अगर आप सर्वाइकल की पोजीशनिंग ठीक कराना चाह रहे हैं तो उसकी जो है वो आप चिन टक इन कराएं, हेड नोड्स हैं ठीक, चिन टक इन अगर आप करा सकते हैं उससे आप स्पाइन की पोजीशन, आप सर्वाइकल की पोजीशन बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको सपोर्ट रिक्वायर्ड है तो आप उसके लिए बेल्ट्स वगैरह यूज कर सकते हैं, उनको हम कॉर्सेट्स बोलते हैं, वो लंबर के लिए भी सर्वाइकल के लिए भी होती है, लंबर कॉर्सेट्स बोलते हैं और सर्वाइकल कॉलर्स हम बोलते हैं उसको ठीक है। पेशेंट इज टॉट हाउ टू यूज पैसिव पोजिशनिंग, के पैसिवली एक तो एक्टिव पोजिशनिंग है ना कि जैसे पेशेंट खुद अपने मसल्स को यूज करे और फिर उसकी जो पोस्चर की है वो रीअलाइनमेंट करे। पैसिव पोजिशनिंग भी होती है लाइक जो हम पेशेंट को बता रहे हैं हमने वो भी पेशेंट को बतानी होती है कि पेशेंट खुद से पैसिवली अपने किसी सेगमेंट को किस पोजिशन के अंदर उसने प्लेस करना है, ये सारी चीजें उसको पता हो ताकि उसकी अवेयरनेस जो है वो हम डेवेलप करा सकें। अब ये जो पोजिशन है ये आपको ये टेबल डिफाइन करेगा लाइक आप पेशेंट की पोजिशनिंग किस तरह से डिफरेंट पोजिशंस के अंदर, डिफरेंट स्टार्टिंग पोजिशंस के अंदर जो है वो आप उसको रख कर सकते हैं। लाइक सुपाइन के अंदर हुक लाइन पोजिशन, या हुक लाइन को हम क्रूक लाइन पोजिशन भी बोलते हैं ठीक है, दो नाम है इसके, हुक और क्रूक एक ही चीज है। इस तरह की जो क्रूक लाइन पोजिशन है इसमें लंबर ऑब्वियसली स्पाइन जो है वो फ्लेक्स करती है, एक्सटेंडेड लेग्स एक्सटेंड्स द लंबर स्पाइन। अब डिपेंड करता है आपको क्या चाहिए, आपको फ्लेक्शन बाइज चाहिए तो आप पेशेंट को प्रोक्लाइन के अंदर रखें, अगर आपको एक्सटेंशन बाइज चाहिए, अगर मूवमेंट्स और एक्सरसाइजेस चाहिए तो आप एक्सटेंडेड लेग्स के साथ रखें ताकि पेशेंट की जो लंबर स्पाइन है वो एक्सटेंडेड रहे। अब पिलो अंडर द हेड फ्लेक्सेस द नेक ठीक है, अगर आप हेड के नीचे याद रखिएगा सर के नीचे जब पिलो रखते हैं तो नेक जो है वो फ्लेक्स्ड पोजीशन के होती है। अगर आप इसको एक्सटेंशन की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं या आप इसको स्टेबलाइज करना चाह रहे हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप ये जो रोल है टॉवल रोल बना के वो नेक के नीचे रखें जहां पे ये इस टाइम प्रेजेंट, इससे आपके जो सर्वाइकल है उसकी एक्स्ट्रा जो एग्जैजरेशन है लोडोसिस की तरफ वो रिड्यूस होगी, इसको स्टेबलाइजेशन मिल जाएगी और नेक के मसल्स को जो है वो रिलैक्सेशन यहाँ पे इंड्यूस होगी क्योंकि यहाँ पे इनको कोई फर्दर कोई एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं पड़ रही। प्रोन पोजीशन के अंदर यूज अ पिलो अंडर द एब्डोमेन फ्लेक्सेस द लंबर स्पाइन ठीक है। अब प्रोन में अगर आप रखना चाह रहे हैं पेशेंट को तो उसमें देख लीजिए कि फ्लेक्शन चाहिए या एक्सटेंशन चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को मॉडिफाई कर लें। फ्लेक्शन चाहिए तो पिलो जो है वो एब्डोमेन के नीचे रख लें, अगर एक्सटेंशन चाहिए तो पिलो निकाल दें एब्डोमेन के नीचे से। टू मेंटेन द सर्वाइकल स्पाइन इन न्यूट्रल अलाइनमेंट, अच्छा अब ये है कि जब हम उल्टा लेटते हैं तो हमारी जो सर्वाइक जो नेक है वो एक तरफ रोटेटेड हो जाती है क्योंकि हम बिल्कुल एग्जैक्ट प्रोन नहीं लेट सकते क्योंकि नाक दरम्यान में आ जाएगा ना, जो हमारा नोज है वो जब टच करेगा आपके बेड को प्लेंथ को जो जिस भी सर्फेस पे आप लेटे हुए तो आप उसको प्रॉपर प्रोन नहीं कर सकते। अब उसके लिए क्या जरूरी है, अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है ऐसे काउच की जिसमें एक छोटा सा जो है ना वो होल होता है नोज प्लेस करने के लिए, तो नोज जो है वो उस पर्टिकुलर होल के अंदर जब जाती है तो आपका प्रॉपर प्रोन पोजीशन जो है वो बन जाती है और आपकी नोज जो है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करती। लेकिन ये डिपेंड, ये हर जगह तो नहीं है, घर में तो हमारे पास ये चीज नहीं होती ना जिसको हम स्प्लिट प्लेंथ बोलते हैं, स्प्लिट टेबल भी बोल सकते हैं उसको। तो ऐसे केस के अंदर फिर आप क्या कर सकते हैं, आम रूटीन में जो हमारे इक्विपमेंट है तो आप एक टॉवल रोल जो है वो छोटा सा टॉवल रोल वो अगर आप पेशेंट के फोरहेड के नीचे रख लें तो उससे वो जगह स्पेस मिल जाएगी आपकी नोज को एडजस्ट होने के लिए और वो आपकी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं करेगी बेड के साथ ठीक है जी। अब सिटिंग पोजिशन के अंदर है, सिटिंग यूजली कॉजेस स्पाइन फ्लेक्शन ठीक है, स्पेशली इफ द हिप्स एंड नीज आर फ्लेक्स्ड, नॉर्मल सिटिंग भी फ्लेक्स है और अगर आपकी मजीद आप उसमें हिप और नी की फ्लेक्शन करें तो वो लंबर के ऊपर फ्लेक्शन आ जाती है। टू एम्फसाइज फ्लेक्शन द फीट आर प्रॉप्ड अप ऑन अ स्मॉल फुट स्टूल, आप कोई फुट रेस्ट रख लें और उसके ऊपर जब आप पांव रखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लंबर के ऊपर जो है वो फ्लेक्शन आ जाएगी। टू एम्फसाइज एक्सटेंशन अ लंबर पिलो और टॉवल रोल इज प्लेस्ड इन द लो बैक रीजन ठीक है, आप बैक साइड पे अगर कोई टॉवल रख लेते हैं, कुशन रख लें या आप लंबर पिलोज जो है वो बकायदा आते हैं आप वो यूज कर सकते हैं टू प्रोवाइड एक्सटेंशन। टू अनवेट द स्पाइन आर्म रेस्ट के ऊपर, अगर आप आर्म अपने बॉडी का वेट पुट ऑन करते हैं तो उस वक्त आप अपनी बॉडी को या जो स्पाइन है उसको अनवेट कर रहे होते हैं ठीक है। और अ रिक्लाइनिंग चेयर इज यूज्ड,
स्टैंडिंग के अंदर यूजुअली कॉजेस स्पाइनल एक्सटेंशन टू एम्फसाइज अब स्टैंडिंग वैसे ही पोस्टर एक्सटेंशन का है. अब अगर स्टैंडिंग के अंदर भी आप जो है वो फ्लेक्शन का एलिमेंट लाना चाह रहे हैं तो आप कोई स्टूल रख लें, आगे छोटा सा स्टूल रख लें और उसके ऊपर जब आप पाँव रखेंगे, एक पाँव एक टांग रखेंगे तो उससे आपकी जो स्पाइन है उसके ऊपर फ्लेक्शन की पोजिशन आएगी. ठीक, तो ये डिफरेंट पोजिशनिंग है जिस डिफरेंट मूवमेंट है जिसके अंदर आप पेशेंट टू पेशेंट वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर पेशेंट, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी नीड क्या है. डीप सेगमेंटल मसल एक्टिवेशन एंड बेसिक स्टेबिलाईजेशन जो कि हम इतने अच्छे से पढ़ रहे हैं कि स्टेबिलाईजेशन रिक्वायर्ड है, स्टेबिलाईजेशन इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, वो किस तरह से आएगी, अभी हम उसकी डिटेल अगेन इस लेक्चर में डिस्कस नहीं कर रहे. नेक्स्ट चैप्टर में सारी की सारी आपकी स्पाइन की एक्सरसाइजेस हैं उनको हम वहां पे डिस्कस करेंगे विद टेक्निक्स और विद वीडियोज वगैरह मैं आपको दिखाऊंगी उसकी. अच्छा, लंबर रीजन के अंदर पहली बात आ जाती है ड्रॉइंग इन मैन्यूवर, जो याद होगा आप लोगों को कि वो आपकी जो ट्रांसवर्सस एब्डोमिनस है उसकी एक्टिवेशन के लिए. एक और मसल जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था स्टेबिलाईजेशन में, दैट वॉज मल्टीफिडस मसल, लंबर के अंदर भी और सर्वाइकल के अंदर भी. उसको एक्टिवेट करने की टेक्निक को हम कहते हैं बल्जिंग कॉन्ट्रैक्शन. बताऊंगी क्या होता है, ठीक है, अभी सिर्फ नाम पढ़ लो. बल्जिंग कॉन्ट्रैक्शन जो है वो मल्टीफिडस मसल की जब हम कराते हैं तो इससे, और ड्रॉइंग इन मैन्यूवर, ये दोनों टेक्निक्स आपके इन दो बेसिक जो स्टेबिलाईजेस हैं उनको एक्टिवेट कर देती है और उससे हमें स्टेबिलाईजेशन मिलती है. सर्वाइकल रीजन के अंदर जेंटल हेड नोड्स, ठीक है, हेड नोड्स वो जिसे हम हल्के हल्के सर हिलाना, हाँ जैसे हम बोलते हैं ना यस की पोजिशन, तो जेंटल नोड्स जो है हेड नोड्स और उस वो आपके जो मसल है लॉन्गस कुलाए और मल्टीफिडस इसको एक्टिवेट करता है इन सर्वाइकल रीजन और वो इन टर्न आपको क्या करते हैं स्टेबिलाईजेशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, ये ड्रॉइंग इन मैन्यूवर की जो पोजीशन है वो दिखाई दी है, होती क्या है, कैसे करते हैं इसको इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर के अंदर करेंगे. अच्छा जी, अब अगर कंट्रोल्ड मोशन फेज की हम बात करें, एक्यूट के अंदर ही हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब हम फेज किसके अंदर आ गए हैं, कंट्रोल्ड मोशन फेज के अंदर आ गए. अब इस टाइम पे जो आपकी अंडरलाइंग इम्पेयरमेंट्स हैं, जैसे लास्ट सेक्टर में हमने बात की थी कि अब पेन का तो इतना मसला नहीं रह गया, अब जो प्रॉब्लम आ रहा है वो पोअर कंट्रोल, स्पाइनल कंट्रोल और पोअर न्यूरोमस्कुलर स्टेबिलाईजेशन और ये स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस की कमी और जो जनरल रिकंडीशनिंग हो रही होती है पेशेंट की उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रहे होंगे. अब पेन हमारा इतना बेसिक प्रॉब्लम नहीं रह गया. पेशेंट की एजुकेशन इस टाइम पे भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब हम कर रहे हैं प्रोग्रेसिव किस्म की ट्रेनिंग, तो उसके अंदर फर्दर किसी किस्म की इंजरी से अवॉइड करना, फंक्शनल एक्टिविटीज के अंदर ये सारा कुछ पेशेंट को बताना जरूरी होता है क्योंकि फंक्शनल एक्टिविटीज में भी आपकी सेफ बॉडी मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट है. आप अगर काम कर रहे हो और मैकेनिक्स आपकी ठीक नहीं है तो आप फिर अपनी पोजिशन अपनी कंडीशन को वहीं ले जाओगे जहां से आपने स्टार्ट किया था, हो सकता है आप इस दफा मजीद इंजर कर दो क्योंकि अभी तक आप प्रॉपरली ठीक तो नहीं हुए ना. तो सेफ बॉडी मैकेनिक्स इंपॉर्टेंट. पेन मॉड्यूलेशन जो है, पेन का एलिमेंट बहुत हद तक कम हो चुका होगा, 80-90% तक कम हो चुका होगा, बट जो पेन रिजाइड कर रही है उसके लिए उसको ट्रीट करने में इस फेज के अंदर, कंट्रोल्ड फेज के अंदर मोडालिटीज को जो है ना वो अवॉइड करना चाहिए, वो रिकमेंडेड नहीं है. क्यों? क्योंकि मोडालिटीज जो है ना वो आप पेशेंट को डिपेंडेंट होना डिपेंडेंट कर देती हैं ओवर मोडालिटीज. आप पेशेंट को इस तरफ लेके जाएं कि वो खुद से जो है ना वो अपनी पोस्टर ट्रेनिंग की तरफ ध्यान दे, एक्टिव जो पोस्टर ट्रेनिंग है, एक्टिव स्ट्रेंथनिंग है, मोबिलिटी है, एक्टिव स्पाइनल कंट्रोल उसकी तरफ लेके जाए. मोडालिटीज का हम यूज तब करते हैं जब पेशेंट की कंडीशन इतनी ज्यादा वो है डेबिलिटेटिंग या कह लो कि इतनी पेनफुल है कि उससे किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा, तो हम उसको एज एन एडजंक्ट, एज एन कह लो कि उसको फैसिलिटेट करने के लिए हम ये काम करते हैं. अब तो वो काम कर सकता है, अब तो उसके पेन खत्म हो गया, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो जो रेजिडुअल पेन है उसको अब थ्रू एक्टिव मूवमेंट्स, एक्टिव स्पाइनल कंट्रोल और एक्टिव स्ट्रेंथनिंग और मोबिलिटी और पोस्टर अवेयरनेस उसके थ्रू जो है वो पेशेंट को रिकवर अप करना चाहिए. इसलिए एंड पे आके जो है वो मोडालिटीज का यूज जो है ना उसको डिस्करेज करना चाहिए. अगर पेशेंट कहे भी तो उसको समझाना जरूरी है कि यहाँ पे ये आप डिपेंडेंट हो जाएंगे. काइनेस्थेटिक्स ट्रेनिंग, ऑब्वियसली जब आप एक्टिवली सारे काम करा रहे हैं तो पेशेंट की अवेयरनेस इसमें डेवलप होना जरूरी है. स्ट्रेचिंग और मैनिपुलेशन, मैनुअल टेक्निक्स और सेल्फ स्ट्रेचिंग्स जो है वो आप पेशेंट को
यूज करा सकते हैं। मसल परफॉर्मेंस में आपकी अब रिक्वायर्ड क्या है कि आपके मसल्स की स्ट्रेंथ अच्छी हो, मसल्स के अंदर इंड्योरेंस अच्छी हो ताकि आपका पोस्टर कंट्रोल बेहतर बने, ठीक है, ये चीजें जरूरी हैं। स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस इंपॉर्टेंट है, अब उसमें आपके बॉल स्लाइड्स आ जाते हैं, ठीक है। बॉल स्लाइड्स क्या होते हैं कि आप दीवार के साथ खड़े हैं, ठीक है, और अपने आपको ओवरऑल बॉडी को जो है वो आप लोअर डाउन करें, जिसको हम स्क्वाट्स भी बोलते हैं, मिनी स्क्वाट्स हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये आप या पार्शियल स्क्वाट्स भी हम बोल सकते हैं, ठीक। पार्शियल लंजेस हैं, ठीक, पुशिंग है, पुलिंग अगेंस्ट रेजिस्टेंस। अब ये सारी ट्रेनिंग जो है ना वो बेसिक आपकी क्या हो रही है, अब ये फंक्शनल ट्रेनिंग की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें आप पेशेंट को करा सकते हैं। डायनामिक ट्रंक एंड नेक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस सच एज कर्ल अप्स, बैक एक्सटेंशन, अभी दिखाती हूँ, इसकी पिक्चर दिखाती हूँ आपको, बैक एक्सटेंशन, सर्वाइकल मोशन आर यूज इन प्रोग्रेशन, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट्स हैं इसकी पिक्चर्स अगर मैं आपको पहले दिखा दूँ कुछ इस तरह से, ठीक है, बैक एक्सटेंशन है ये एक्सरसाइज, कोबरा पोजिशन भी इसको हमने एक दफा जो है वो पढ़ा था, ये आपकी पैसिव जो है वो ट्रेनिंग है, उसकी करेक्शन है टिल्ट्स की, सेल्फ करेक्शन ऑफ लैटरल शिफ्ट, पेशेंट जिस तरह से लैटरल शिफ्ट के साथ आते हैं, या आपकी स्टैंडिंग के अंदर एक्टिव बैकवर्ड बेंडिंग है, ठीक। तो इस किस्म की पोजीशंस जो है ना वो हम पेशेंट को बता सकते हैं। कार्डियोपल्मोनरी कंडीशनिंग जरूरी है, ठीक है, ओवरऑल बॉडी की सिम्टम्स जो सॉरी सिस्टम्स हैं उनको इन्वॉल्व करना, आपके खास तौर पर जो ब्लड सिस्टम है और आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, क्योंकि इन दोनों की रिक्वायरमेंट हमें बहुत ज्यादा है, ठीक। रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस, मसल्स की अगर टोन टेंशन ज्यादा है उसको रिलैक्स करना, फंक्शनल एक्टिविटीज। अच्छा, अब अगर हम बात करें वन बाय वन, अब ये जो हम एक्सटेंशन बायस, फ्लेक्शन बायस, नॉन वेट बेयरिंग बायस पढ़ा था, अब इनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारी एक्सटेंशन बायस गाइडलाइंस हैं वो क्या है। तो सबसे पहले जो इफेक्ट्स हैं पोस्चर के आईवीडी के ऊपर वो पहले देख लेते हैं कि क्या है, जो प्रेशर चेंजेस हैं वो किस तरह से पोजीशंस के साथ चेंज होते रहते हैं। आईवीडीज के ऊपर जो प्रेशर है वो लीस्ट होता है, वी ऑल नो, इन स्पाइन लाइन। स्पाइन जो है वो रेस्टेड है, स्टेबलाइज्ड है, ठीक है, वेट बेयरिंग भी उसमें नहीं हो रही है, ग्रेविटी का भी इफेक्ट जो है वो मिनिमम होता है, तो उस पर प्रेशर भी सबसे ज्यादा कम इसी पोजीशन में होगा। इंक्रीज्ड 50% इन सिटिंग, जैसे ही आप उठ के बैठते हैं तो ये जो प्रेशर है वो 50% बढ़ जाता है। इंक्रीजेस डबल इफ लीनिंग फॉरवर्ड व्हाइल सिटिंग, अब अगर बैठे हुए हैं और बैठे भी आप झुक के बैठे हुए हैं, स्लाउच सिटिंग पोजीशन जिसको हम बोलते हैं, तो उस वक्त ये जो सिटिंग से भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो कहाँ जो है वो बिल्कुल आप सुपाइन लाइन में थे और बिल्कुल लीज था, और कहाँ आप सिंपल सिंपल पोजीशन क्या थी कि जो आपकी सिटिंग में आए और सिटिंग में भी आप आगे झुक के बैठ गए, और बड़ी ये कॉमन गलती है हम करते हैं। सिटिंग विद हिप्स एंड नीज फ्लेक्स्ड और लीनिंग फॉरवर्ड शुड बी अवॉइडेड व्हेन देयर इज एन एक्यूट डिस्क लेजन, अब अगर डिस्क का लेजन है तो फॉरवर्ड जो पोजीशनिंग है उसको तो वैसे ही अवॉइड करना चाहिए, ठीक। 120 ट्रंक इंक्लिनेशन इज नेसेसरी इफ सिटिंग इज रिक्वायर्ड, कि अगर आप बैठना आपके लिए जरूरी है, ठीक है, सिटिंग वैसे ही फॉरवर्ड पोस्चर है, फॉरवर्ड आ जाती है बेंडिंग उसके अंदर फ्लेक्शन, तो अगर आपके लिए बैठना इतना ही जरूरी है आईवीडी जो डिस्क हर्निएशन प्रॉब्लम्स हैं एक्यूट, तो उसमें आपकी जो इंक्लिनेशन है सीट की वो 120 डिग्रीज पे होनी चाहिए, लाइक आपका वो बैठना नहीं होना चाहिए, वो लाइक हाफ सिटिंग पोजीशन होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें आपकी ना वो लेटे वाली लेटे होने की पोजिशन है और ना वो बैठे होने की पोजिशन है, वो दरमियान की पोजिशन होती है जिसमें हम हाफ सिटिंग या हाफ लाइंग पोजिशन भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी इंक्लिनेशन जो है वो इस तरह की होनी चाहिए ताकि आपकी रिलीफ रहे और एग्जैजरेट ना करे आपके सिम्टम्स। जी जो एमएक्स है, एमएक्स किस चीज की एब्रिविएशन है? क्या बेटा मैम? ये पिछली स्लाइड में एमएक्स लिखा हुआ है ना, प्रिंसिपल ऑफ एमएक्स।
एमएक्स एमएक्स इज मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट कहेंगे इसको. ओके मैम. सर कंप्रेशन फोर्सेस. अच्छा अब इसका बेड रेस्ट का क्या इफेक्ट है आपके डिस्क लीजन्स के ऊपर? बेड रेस्ट ऑब्वियसली जब आपको पता है लाइन के अंदर आपका कंप्रेशन कम है तो बेड रेस्ट आपको फायदा देगा, लेकिन जो आपका एब्सोल्यूट बेड रेस्ट है यानी कि बस आप सिर्फ लेटे हुए हो और बस हिलना जुलना बिल्कुल आपका खत्म है और कुछ भी नहीं, ना आप उठ रहे हो ना बैठ रहे हो ना थोड़ी बहुत वॉक कर रहे हो, कुछ नहीं, सिंपल एक्यूट आप बेड रहे हो एब्सोल्यूट बेड रेस्ट के ऊपर हो, वो आपको इन टर्न नुकसान देगा. क्यों नुकसान देगा? याद करें कि फ्लूइड स्टेसिस जो है वो हमने एक चीज पढ़ी थी कि अगर आपका पोस्चर जो है वो लाइन के अंदर भी समवट फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन के अंदर है, उसमें फ्लेक्शन अगर आ रही है तो, और वो आप ज्यादा देर के लिए जो है वो करते हो तो आपकी फ्लूइड स्टेसिस जो है वो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा और वो इन टर्न आपके सिम्टम्स को क्या कर रहा है, एग्जेसिबेट कर रहा है, एग्जाजरेट कर रहा है. तो आपका बेड रेस्ट जो है वो अच्छा है, बिल्कुल है एक्यूट कंडीशन के अंदर. अगर आप एक दो दिन, शुरू के दो दिन अगर आप बेड रेस्ट ले लेते हैं, वो भी इंटरमिटेंट बेड रेस्ट. इंटरमिटेंट का मतलब ये है कि आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो है वो अपनी पोजीशन या तो चेंज करें या दरमियान में स्टैंडिंग कर लें, थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, थोड़ी बहुत आप वॉक कर लें. इससे आपकी वो जो पोस्टरल इम्बैलेंस है ना वो नहीं आएगा, जिसकी वजह से फिर आपका फ्लूइड स्टेसिस की तरफ बात निकल जाएगी. तो ये जरूरी है कि आप इसकी जो इंटरमिटेंट काइंड ऑफ आपका बेड रेस्ट है वो आप लें, ठीक है. टू डेज में बी नीडेड टू प्रमोट अर्ली हीलिंग. हीलिंग के लिए ठीक है, अच्छी बात है, बट इट शुड बी इंटरस्पेस्ड विद शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ स्टैंडिंग वॉकिंग एंड अप्रोप्रिएटली कंट्रोल्ड मूवमेंट्स. ठीक हो गया. अब ट्रैक्शन का क्या इफेक्ट है इंटरवर्टेब्रल डिस्क के ऊपर? ये सिम्टम्स को रिलीफ करता है. एस एक्स स्टैंड फॉर सिम्टम्स. सिम्टम्स को ये रिलीफ करता है, ठीक है, क्योंकि जब आप वर्टेब्रल बॉडीज को आप सेपरेट करते हैं तो टेंशन डेवलप होती है आपके एनुलस फाइब्रोसिस के ऊपर, जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है पीएलएल, और वो फ्लैटनिंग इफेक्ट आता है बल्ज का, क्योंकि वो बल्ज को क्या करते हैं, जब ये दोनों स्ट्रक्चर्स टाइट अप होंगे और उसकी वजह से वो क्या करेंगे, उसको एक तरह से पुश बैक करेंगे जो उसकी अपनी असल जगह, ठीक है, तो प्रेशर जो है वो संभव रिड्यूस होता. लेकिन ये बात याद रखिएगा कि अगर ट्रैक्शन से आपके पेशेंट को सिम्टम्स रिलीफ होते हो तो ड्यूरेशन जो है ना वो ट्रैक्शन की बहुत मैटर करती है. ड्यूरेशन बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए. ड्यूरेशन अगर ज्यादा होगी तो आपकी वो जो फ्लूइड की डिस्ट्रीब्यूशन है वो रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से आपका, जब आप ट्रैक्शन को खत्म करोगे, जब उसके ऊपर वापस डिस्क के ऊपर कंप्रेशन पड़ेगा तो वो जो फ्लूइड की इतनी ज्यादा जो है वो एब्जॉर्प्शन हो चुकी हुई है, वो क्या करेगा, वो प्रेशर जैसे ही उसके ऊपर बिल्डअप होगा वेट पड़ने की वजह से, तो सिम्टम्स क्या है, एग्रेवेट कर जाएंगे. तो सिम्टम्स को एग्रेवेट होने से बचाने के लिए आपने जो ट्रैक्शन है ना उसकी ड्यूरेशन को कम रखना है अगर पेशेंट के सिम्टम्स ट्रैक्शन से रिलीफ होने वाले हैं. Effects of flexion and extension of intervertebral disc and fluid stasis. Rest in a slightly forward bent position often lessens pain because of the space potential for the nucleus pulposus. Patient may deviate laterally to minimize the pressure. जो lateral shift आ जाता है patient के ऊपर. Extension initially aggravates the symptoms, but after sustained flexion posture, it relieves the symptoms of fluid stasis. शुरू में आप ये कह सकते हैं कि आपको फॉरन जब आप एक्सटेंशन करा रहे हो तो शायद हो सकता है कि पेशेंट को जो है ना वो सिम्टम्स थोड़े से एग्रेवेट करें, लेकिन जब आप बहुत ज्यादा देर फ्लेक्स पोस्चर के अंदर रहते हैं और उसके बाद जब आप एक्सटेंशन करते हैं तो वो बकायदा आपके पेशेंट के सिम्टम्स को क्या करता है, रिलीव करता है, फ्लूइड स्टेसिस को रिलीव करता है. कॉन्ट्राइंडिकेशंस में ये चीज आ जाती है कि जब आपके एक्यूट डिस्क लीजन्स है या प्रोटेक्शन फेज है तो उसमें आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो है वो नहीं करानी होती जो कि आपके प्रेशर जो है उसको बढ़ाने की वजह बने, इंक्रीज करने की वजह बने, जैसे कि हमने पीछे वाल्सल्वा में हुआ पढ़ा था, वो भी प्रेशर इंक्रीज करने की रीजन है. एक्टिव ट्रंक फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन से वैसे ही आपका प्रेशर जो है इंक्रीज करेगा. ट्रंक रोटेशन, ये सारी की सारी मूवमेंट जो आपकी इंट्रा डिस्कल प्रेशर को इंक्रीज करती है, आपने एक्यूट फेज के अंदर तो उनको अवॉइड करना है, सिर्फ एक्यूट फेज की हद तक. उसके बाद जब आप प्रोटेक्शन फेज से बाहर निकल आते हो देन आप उसको प्रॉपर एक्टिव जो मूवमेंट्स हैं वो आप पेशेंट को गाइड कर सकते हैं.
इसी तरह से वो सारी मूवमेंट्स जो पेरिफरलाइज कर रही हो पेन को। अब डिस्क के केस के अंदर आपको पता है कि जो फ्लेक्शन है वो आपको क्या कर रही होती है, पेरिफरलाइज कर रही होती है, ठीक है, और एक्सटेंशन जो है वो आपकी सेंट्रलाइज करती है। पेरिफरलाइजेशन विद एक्सटेंशन, अगर एक्सटेंशन के साथ पेरिफरलाइजेशन है, ये लास्ट पहले भी डिस्कस हुई हुई है चीज, तो उसका कॉज जो है वो स्टीनोसिस हो सकता है, लार्ज डिस्कल वो जो लेटरल डिस्क प्रोट्रूजन, बहुत ज्यादा अगर आपकी डिस्क प्रोट्रूजन है जो कि लाइक वो एंड स्टेजेस लाइक प्री सीक्वेस्ट्रेशन वाली फेजेस है, उसके अंदर इवन आपकी जो एक्सटेंशन है वो भी आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही। ओके मैं कोशिश करती हूँ, इधर इसको करीब कर लेते हैं। अच्छा होपफुली अब थोड़ा क्लियर होगा। यस मैम। ओके चलें, पेरिफरलाइजेशन की बात हो रही थी कि वो सारी अगर एक्सटेंशन के साथ पेरिफरलाइज कर रही है पेन, तो उसकी रीजन जो है वो आपको बताया था कि या तो वो स्टीनोसिस हो सकती है, या जो डिस्क प्रोट्रूजन की वो जो बहुत एंड की स्टेजेस थी, फ्री सीक्वेस्ट्रेशन, जिसमें बिल्कुल ही न्यूक्लियस जो है वो बाहर निकल गया, उसका डिस्क के साथ लिंक ही कोई नहीं रह गया, वो उस तरह की जो स्टेजेस है उसके अंदर आपकी एक्सटेंशन, इवन एक्सटेंशन भी आपको पेरिफरलाइज करती है। हालांकि डिस्क लेजन में एक्सटेंशन अच्छी रहती है आपकी पोजिशन, लेकिन लार्ज अगर बल्जेस है तो वो आपकी पेरिफरलाइज कर सकते हैं। और पैथोलॉजी इन अ पोस्टीरियर एलिमेंट, ठीक, ये वो सारी कॉन्ट्राइंडिकेशन है, तो उसको आपने क्या करना है, अवॉइड करना है। अब जैसे ये एक्सटेंशन बाइस की हम बात कर रहे थे, तो ये आपकी एक्सटेंशन बाइस एक्सरसाइजेस आ जाती हैं, जैसे पहले अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, ये आपके कोबरा एक्सरसाइज है, या आप इसको एक्सटेंशन बाइस एक्सरसाइजेस में आ जाएगी। अच्छा अब ये आपकी जो है वो लैटरल शिफ्ट, जैसे अभी पीछे बात हुई कि पेशेंट जो है वो लैटरल शिफ्ट के साथ प्रेजेंट करता है, तो आपने पेशेंट का लैटरल शिफ्ट करेक्ट करना है, उसके बाद आप एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे, अदरवाइज पेन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये होपफुली ये चीज आप लोगों ने आजकल याद भी की होगी। अच्छा अब उसको करेक्ट करने का तरीका क्या है, ये आपको राइट साइड पे जो पिक्चर नजर आ रही है, ये आपको लैटरल शिफ्ट दिखाया हुआ है। अब एज अ थेरेपिस्ट आप क्या कर रहे हैं, आप पेशेंट के बिल्कुल साथ खड़े हो जाएं, ठीक है, एक तरफ से आपका जो शोल्डर है, ठीक है, थेरेपिस्ट का शोल्डर ये पेशेंट के साथ बिल्कुल क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होगा, ठीक है, बिल्कुल प्रेस करें इसको, और दूसरी तरफ दूसरे हाथ से आप पेशेंट के पेल्विस को क्या कर रहे हैं, ग्रैब कर रहे हैं। अब आपने एट द सेम टाइम आपने दो फोर्सेस दो डिफरेंट डायरेक्शन में लगानी है, एक आपने अपने शोल्डर से पेशेंट को अवे पुश करना है, और आपने पेल्विस से उसको अपनी तरफ क्या करना है, पुल करना है, ठीक है। पुश और पुल दो एट अ टाइम मूवमेंट्स हैं जो आप पेशेंट के ऊपर जो है वो लगाएंगे, और उससे आप पेशेंट का क्या है, लैटरल शिफ्ट को करेक्ट करने की कोशिश करें। अब इसमें साथ में पेशेंट को ना आप सेल्फ करेक्शन भी बताएंगे, ताकि ड्यूरिंग होम ट्रीटमेंट पेशेंट जो है वो इसको खुद से प्रैक्टिस कर सके, और आपके ट्रीटमेंट जो सेशन चल रहा है उसके ऊपर अच्छा इफेक्ट आए, ठीक। अब पेशेंट किस तरह से इसको कर सकता है, अगेन वही दो डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट होगी, एक तरफ से पेल्विस को जो है वो पेशेंट पुश करेगा, दूसरी तरफ से अपने ये बिल्कुल लोअर रिब केज जो है वहां पे आपका पेशेंट का हाथ प्लेस कराना है आपने, और उससे पेशेंट को कहेंगे कि वो एट अ टाइम अपने जो है वो दोनों मूवमेंट जो है वो करेगा, ताकि उससे उसका लैटरल शिफ्ट जो है वो बेहतर हो। लैटरल शिफ्ट जो है वो बेहतर कराने के बाद आप पेशेंट को क्या करेंगे, एक्सटेंशन की तरफ लेके जाएंगे, ठीक है। अब ये है उसकी क्या है, एक्सटेंशन बैकवर्ड बेंडिंग, अदरवाइज पेशेंट का पेन जो है वो बढ़ सकता है। लंबर ट्रैक्शन पेशेंट को आप गाइड कर सकते हैं, मतलब प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, यूज लेस देन 15 मिनट्स ऑफ इंटरमिटेंट ट्रैक्शन। अच्छा अब ट्रैक्शन की भी जो है वो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कि अगर आप ज्यादा ड्यूरेशन का ट्रैक्शन रख रहे हैं तो उसमें फिर वो इंटरमिटेंट होना चाहिए, चेंजिंग उसमें आनी चाहिए, प्रेशर की सस्टेन नहीं होना चाहिए वो, और उसमें गैप्स होने चाहिए, पॉजेस होने चाहिए। अगर आप लेस देन 10 मिनट्स का कर रहे हैं तो यू कैन गिव अ सस्टेन ट्रैक्शन, वो एक ही दफा एक ही प्रेशर जितनी और ट्रैक्शन आप लगा सकते हैं, और वो जितना टाइम आपने रखा है उसके बाद फिर आप उसको उतार दें, ठीक है। मैकेनिकल ट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो मैनुअल ट्रैक्शन तो 10 मिनट या 15 मिनट देना बहुत मुश्किल काम है ना, ठीक है, तो वो तो होती ही शॉर्ट ड्यूरेशन की। ये मैकेनिकल ट्रैक्शन की बात हो रही थी जिसमें 10 या 15 मिनट की हम बात कर रहे हैं। ज्वाइंट मोबिलाइजेशन आप कर सकते हैं, ठीक, ग्रेड 1 से 4 तक की आप मोबिलाइजेशन कर सकते हैं,
और प्रोन प्रेसअप्स जो भी पीछे आपको पिक्चर दिखाई दिस इज प्रोन प्रेसअप्स भी हम इनको बोलेंगे, कोबरा पोजिशन भी हम बोलते हैं. ठीक, तो ये आप पेशेंट को गाइड कर सकते. अब अगर एक्यूट सिम्टम्स जो है वो स्टेबलाइज हो चुके हैं तो उस वक्त आप क्या पेशेंट को करेंगे, गाइड करेंगे, अब आपका फंक्शन की तरफ जो है वो ध्यान होगा. ठीक है, हेल्दी बैक प्लान, आपने पेशेंट को गाइड करना है कि किस तरह से रिकरेंस से जो है वो बच सकते हैं. जो चीजें हमने गेन कर ली हैं अब उनको हमने जाया नहीं करना. ठीक है, वेस्ट नहीं करना. फॉलोइंग एनी फ्लेक्शन एक्सरसाइजेस, परफॉर्म एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस such as prone press-ups and standing back extension. If being in a prolonged flex posture is necessary, interrupt the flexion with backward bending at least once every hour. अब अगर आपका काम ही ऐसा है कि आपकी sitting है और forward bending posture मतलब unavoidable कह लें, ठीक है, तो उस time पे फिर आप दरम्यान में breaks लें. एटलीस्ट एक घंटे के बाद जो है ना वो आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग तो लाजमी होनी चाहिए. अदरवाइज जब आप सस्टेन फ्लेक्शन पोस्चर रखेंगे फ्लूइड स्ट्रेसेस का प्रॉब्लम आ जाएगा. पेल्विक टिल्ट्स जो है वो आप करते रहें टाइम टू टाइम. इफ सिम्टम्स ऑफ अ प्रोट्रूजन डेवलप, परफॉर्म प्रोन प्रेसअप्स, इंटीरियर पेल्विक टिल्ट्स इन क्वाड्रेट पोजिशन, बैकवर्ड बेंडिंग, ये सारी की सारी आपकी क्या है, एक्सटेंशन बाइस एक्सरसाइजेस हैं जिसमें आपको हेल्प आउट मिलेगी प्रोट्रूजन को या बल्ज को रिड्यूस होने में. ठीक है, सर्वाइकल के अंदर जो मैनेजमेंट है डिस्क लीजन की वो कॉमनली आपका जो C6 और C7 का एरिया है वहां पे ज्यादा कॉमन होती है. और कॉजेज इसके डीजनरेशन है, ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, पुअर पोस्चर है. पेशेंट आपके पास फॉरवर्ड हेड पोस्चर के साथ प्रेजेंट करता है और पेरिफेरल न्यूरोपैथी जिसमें आपके साइंस आ जाते हैं, अपर लिम के अंदर न्यूरोलॉजिकल साइंस है, वीकनेस आ सकती है, सेंसरी लॉस वगैरह हो सकता है. ठीक है, सिम्टम्स जो है वो पेशेंट के फ्लेक्शन के साथ इंक्रीज करते हैं, एक्सटेंशन के साथ डिक्रीज करते हैं. वही जिस तरह से लंबर के अंदर डिस्क की जो इश्यूज थे या उसका जो पैटर्न था वही आपका सर्वाइकल के अंदर भी फॉलो होता है. ट्रीटमेंट के अंदर आप सर्वाइकल रिट्रैक्शन, सर्वाइकल रिट्रैक्शन थी जब आप पेशेंट की चेन जो है वो टक इन कराते हैं. ठीक है, तो वो सर्वाइकल रिट्रैक्शन होती है, ऑटोमेटिकली आपका पोस्चर बेहतरी की तरह जाता है. ट्रैक्शन, ट्रैक्शन में वही बात है कि अगर आप लेस देन 10 मिनट्स कर रहे हो तो सस्टेन आप कर सकते हो. अगर आप 15 मिनट्स तक जाना चाहते हो तो फिर आपको इंटरमिटेंट ट्रैक्शन देनी पड़ेगी जिसमें प्रेशर और टाइम जो है वो या पॉजेज हैं, ब्रेक्स हैं उसके साथ. ठीक है, काइनेस्थेटिक सेंस अगेन इसमें भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट. चलो अब आ जाते हैं फ्लेक्शन वाइज के ऊपर. फ्लेक्स्ड पोस्चर है पेशेंट का एंड बी अनएबल टू एक्सटेंड ड्यू टू पेन. अब पेशेंट आया ही, प्रेजेंट ही आपके पास फ्लेक्स पोस्चर के साथ हुआ है और उससे सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा, तो वो स्ट्रेट अवे इस चीज को शो कर रहा है कि ये पेशेंट क्या है, फ्लेक्शन वाइज. अब जो इसके मेडिकल डायग्नोसिस है उसमें स्पॉन्डाइलोसिस हो सकता है, स्टीनोसिस है, सस्टेन एक्सटेंशन लोड इंजरी है. ठीक है, swollen facet joints हैं, facet joints पे अगर उसमें swelling बहुत ज्यादा हो तो आप उसको extend properly नहीं कर पाते अपनी back को. अब muscle imbalance जो आ जाते हैं flexion biased के साथ, ठीक है, flexion biased जो syndromes हैं उनके साथ जो आपके muscle imbalance हैं वो कुछ इस तरह से आ जाते हैं कि आपके lumbopelvic region में restricted mobility, आपके hip flexors, एक्सटेंसर्स और एक्सटर्नल रोटेटर्स इनमें रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, आपको प्रॉपरली मूव नहीं करने देते. ठीक है, क्योंकि ये टाइटन पोजिशन के अंदर रहते हैं. राइट, मसल वीकनेस किसमें आ जाएगी, जो कि स्ट्रेच्ड पोजिशन के अंदर रह रहे हैं ज्यादा, वो आपके एब्डोमिनल्स हैं, हिप एबडक्टर्स हैं, इनके अंदर वीकनेस आ जाती है. सर्वाइकल रीजन के अंदर जो रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी है, मसल्स ऑफ द इंटीरियर चेस्ट एंड शोल्डर गर्डल ये टाइट हो जाएंगे. मसल वीकनेस आपके पोस्टीरियर स्ट्रक्चर्स के अंदर आएगी जो कि प्रोन टू वीकनेस हैं, जो कि आपके स्टेबलाइजर्स भी हैं स्कैपुला के, रोम्बोइड्स खास तौर पे. ठीक है, जो आपके स्कैपुला के स्टेबलाइजर्स हैं ये वीक हो जाएंगे. स्कैपुला के स्टेबलाइजर्स वीक होंगे, यू ऑल नो कि उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, पुअर स्टेबलाइजेशन, और पुअर स्टेबलाइजेशन इन टर्न आपके सिम्टम्स को क्या कर रही होगी, एग्रवेट कर रही होगी. अब मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं, इफेक्ट ऑफ पोजिशन, फ्लेक्शन, ये चीजें आपको बताई थी कि फ्लेक्शन बेसिकली आपके जो फोरामिनास हैं इनको क्या करती हैं, स्पेस इनमें इंक्रीज करती हैं. तो जब स्पेस इंक्रीज होगी
और एक्सटेंशन के साथ जो है वो फोरामिना की साइज जो स्पेस है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। तो पेशेंट के सिम्टम्स जो है ना वो बेहतर इसलिए होते हैं क्योंकि स्पेस इंक्रीज हुई है। ट्रैक्शन का भी इफेक्ट क्या है कि फोरामिनास के ऊपर जो स्पेस है वो इंक्रीज करेगी, इसीलिए अगर आप ट्रैक्शन से पहले पेशेंट को ऐसी पोजीशन के अंदर रखें जिससे उसकी स्पेसेस जो है वो बढ़ रही हो, तो ट्रैक्शन का जो इफेक्ट है वो बेहतर हो जाता है, ठीक है। मतलब कि उसका कह लो कि वो प्रोनाउंस इफेक्ट है वो अच्छी आपको इफेक्ट देती है। इफेक्ट ऑफ ट्रॉमा एंड रेपिटेटिव इरिटेशन लीड्स टू कॉम्प्रोमाइज्ड फोरामिनल स्पेस। Instability could be the cause of repetitive microtrauma leading to swelling and pain. Repetitive जब आपके microtraumas होंगे तो उनका ये effect आएगा। इसके अलावा जो आपके meniscoid tissues हैं, आपकी जो joints के अंदर present हैं, वो भी जब sudden movements आप करते हो तो उनके अंदर भी वो भी impinge होने के chances हैं, क्योंकि वो आपके joint spaces के अंदर जो है वो किसी गलत position के अंदर जो है वो lock हो जाएं, और जब ये आपकी impinge करते हैं और गलत position के अंदर आपके joint को lock कर देते हैं तो mobility automatically वहाँ पे क्या हो जाती है, reduce हो जाती है। It blocks specific movements such as extension and side bending to the involved side. मोबिलाइजेशन और ट्रैक्शन जो है ना वो फिर रिक्वायर्ड होती है ऐसे केसेस के अंदर जहां पे आपके मेनिस्कॉइड टिश्यूज जो है वो इन्वॉल्व हों और आपके जॉइंट्स के अंदर जो है वो लॉकिंग कॉज कर रहे हैं, ठीक है। तो मोबिलाइजेशन समटाइम्स मैनिपुलेशन भी इवन और ट्रैक्शन के साथ जो है वो हम इसको रिजॉल्व करते हैं। इंडिकेशंस में क्या है, फ्लेक्शन इज यूज्ड इफ न्यूरोलॉजिकल एंड पेन सिम्टम्स आर ईज विद फ्लेक्शन एंड वर्सन विद एक्सटेंशन पोजिशन ऑफ मोशन। ये वही सारी बातें हैं बार 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 आपको रिपीट होती भी नजर आएंगी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में ऑब्वियसली क्या आ जाएगी, वो सारी मूवमेंट्स जिससे आपकी पेन जो है वो बढ़े, और पेन किसके साथ बढ़ेगी, एक्सटेंशन के साथ बढ़ेगी, या सिंपल एक्सटेंशन या एक्सटेंशन विद रोटेशन या आपकी पेन को बढ़ा देगा, ठीक है। तो वो आपने एक्सरसाइजेज या मूवमेंट्स नहीं करानी जो कि आपकी पेन को पेरिफरलाइज कर रही है। टेक्निक्स यूटिलाइजिंग आ फ्लेक्शन अप्रोच, इसमें एक्यूट सिम्टम्स के अंदर आप रेस्ट और सपोर्ट देंगे, यहाँ पे सर्वाइकल कॉलर और लंबर कॉर्सेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक। सपोर्ट इज ऑल्सो बेनिफिशियल इन द मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स विद आरए। याद रखिएगा आरए के पेशेंट्स के अंदर ये चीज बहुत ज्यादा जो है वो आपको सपोर्टिव रहती है, क्योंकि आरए के पेशेंट्स के अंदर इंस्टेबिलिटी भी है, हाइपर मोबिलिटी भी होती है, तो ऐसे केसेस के अंदर जब आप उसको कॉलर के साथ कॉर्सेट्स के साथ जब आप उसको सपोर्ट देंगे तो वो समहाउ आप वो जो इंस्टेबिलिटी है उसको किसी हद तक जो है वो कंट्रोल करने में हेल्पफुल रहेंगे, ठीक। लंबर की जो पोजीशन है कंफर्ट की फ्लेक्शन बाइस के अंदर, पोजीशन इज यूजली विद द हिप्स एंड नीज फ्लेक्स सो द लंबर स्पाइन फ्लेक्सेस। अगर आप बैठे हुए पोजिशन के अंदर हैं तो अपने वो जो पहले अभी हमने स्लाइड के अंदर डिस्कस की थी पोजिशंस, कोई स्टूल रख लें, कोई फुट रेस्ट रख लें, उसके ऊपर जब आप पांव रखेंगे तो वो फ्लेक्शन का एलिमेंट उसके अंदर लंबर के ऊपर इंड्यूस होगा। सर्वाइकल के अंदर क्या है, ये चीज जरा थोड़ी सी समझ लें कि द पोजिशन इज टूवर्ड एक्सियल एक्सटेंशन अपर सर्वाइकल फ्लेक्शन। आपकी चिन टक इन अब आप जब कराते हो, या होपफुली आप लोगों ने मैनुअल जो मसल टेस्टिंग पढ़ी होगी उसके अंदर आपने सर्वाइकल फ्लेक्शन और कैपिटल फ्लेक्शन इनमें जो है वो डिफरेंस आपको पता होगा कि जब आप चिन टक इन कराते हो पेशेंट को तो देखने में तो आपको ये लगता है कि जनाब ये एक्सटेंशन हुई है, बट ये अपर सर्वाइकल के अंदर आपकी क्या हो रही होती है, ये फ्लेक्शन मूवमेंट है अपर सर्वाइकल के अंदर। हम सर्वाइकल को दो रीजन में डिवाइड करते हैं, जो हेड और अपर सर्वाइकल वर्टिब्राज हैं उनकी मूवमेंट और जो लोअर वर्टिब्राज हैं उनकी मूवमेंट थोड़ी सी फर्क होती है। जब आप पेशेंट की चिन टक इन कराते हो तो ये पेशेंट के जो सर्वाइकल है अपर सर्वाइकल यानी हेड और शुरू के जो वर्टिब्राज हैं उनके ऊपर फ्लेक्शन मूवमेंट आ रही होती है, और आपके वो जो लोअर वर्टिब्राज हैं उनके ऊपर जो है वो आपकी एक्सटेंशन आती है। इसी तरह से जब आप पेशेंट की चिन को पोक आउट कराते हो, ठीक है, जब पेशेंट की चिन पोक आउट होगी तो अपर सर्वाइकल के ऊपर एक्सटेंशन आती है और लोअर सर्वाइकल जो वर्टिब्राज है उनके ऊपर फ्लेक्शन आती है। ये ऑपोजिट है, इसको बेटा याद रखिएगा डिफरेंस। तो जब आप सर्वाइकल का पेशेंट ट्रीट कर रहे हो जो कि फ्लेक्शन वाइज है, तो उसमें फिर आपको पेशेंट को क्या कराना है, पेशेंट की चिन को
टक इन कराओगे, सर्वाइकल की रिट्रैक्शन होगी, आके अपर सर्वाइकल के ऊपर फ्लेक्शन आएगी और ये पेशेंट के सिम्टम्स को क्या करनेगी, हेल्प आउट करेगी उसको रिलीव करने में। सर्वाइकल की ट्रैक्शन आप दे सकते हैं, ट्रैक्शन टेक्निक्स हैं ग्रेड 1-2 में, आप ज्वाइंट ट्रैक्टिस ट्रैक्ट कर सकते हो ग्रेड 1-2 के अंदर। इफ देयर आर ओनली साइंस ऑफ नर्व इन्वॉल्वमेंट, स्ट्रॉन्गर ट्रैक्शन फोर्सेस में भी यूज, कि अगर सिर्फ और सिर्फ आपके पास न्यूरोलॉजिकल साइंस आ रहे हैं, नर्व की इम्पिंजमेंट आ रही है, तो फिर आप ट्रैक्शन की जो फोर्सफुल ट्रैक्शन है वो भी यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन में यहाँ पे वही चीज आ जाएगी, आरए का पेशेंट, आरए के पेशेंट में मोबिलाइजेशन, ट्रैक्शन, मैनिपुलेशन, ये बहुत ज्यादा जो है वो पोटेंशियली आपकी क्या है, डेंजरस है, फेटल कंडीशंस जो है वो बन सकती है, क्योंकि लिगामेंटस लैक्सिटी भी होती है, नेक्रोसिस है वहां पे, वर्टिब्रल इंस्टेबिलिटी है, फ्रैक्चर कॉज हो सकता है, कॉर्ड इंजरी हो सकती है, तो मल्टीपल जो है वो सीवियर किस्म के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो इसलिए आपने ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये सारी चीजें, चाहे जितना मर्जी आपके पास पेशेंट जो है वो आरए का डिस्क लीजन के साथ आया है, ये काम आपने आरए के पेशेंट में नहीं करना। आप अदर टेक्निक्स के ऊपर जाओ, आप एक्टिव, पैसिव और जनरल आरओएम जो भी आप करा सकते हो वो उस तरफ जाओ, लेकिन आप कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है आपकी ये ट्रैक्शन, मोबिलाइजेशन, मैनिपुलेशन, सर्वाइकल रीजन, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें क्या है जनाब, के जो आपकी सेल्फ करेक्शन है लैटरल शिफ्ट की, आप फ्लेक्शन वाइज पोस्चर के अंदर लैटरल शिफ्ट को किस तरह से कर सकते हो, कि पेशेंट की पोजीशन जो है वो कुछ इस तरह की बनेगी कि पेशेंट स्टैंड करेगा, एक लेग जो है वो उसकी चेयर के ऊपर होगी और दूसरा जो है वो बिल्कुल स्टैंडिंग पोजीशन, वो जो है इरेक्ट पोजीशन है, 90 के एंगल के ऊपर जो है वो आपकी फ्लेक्स्ड होगी। द लेग ऑन द साइड ऑफ द लैटरल शिफ्ट इज केप्ट एक्सटेंडेड। अब ये जो शिफ्ट है ना, जिस तरफ आपका शिफ्ट होगा लैटरल शिफ्ट, वो लेग आपकी क्या होनी चाहिए, एक्सटेंडेड होनी चाहिए, ठीक है। जब ये एक्सटेंडेड होगी और उसके बाद आपने पेशेंट को कहना है कि हैव द पेशेंट देन फ्लेक्स द ट्रंक ऑनटू द रेज थाई एंड अप्लाई प्रेशर बाय पुलिंग ऑन द एंकल। अब पेशेंट इसके ऊपर क्या करेगा, लीन फॉरवर्ड करेगा अपनी दूसरी लेग के ऊपर, और पेशेंट जो पुल फोर्स है वो अप्लाई करेगा किसके ऊपर, अपने एंकल के ऊपर, तो उससे आपकी ये जो इस साइड का लैटरल शिफ्ट है ये बेहतर होना शुरू होगा। याद रखिएगा, दोबारा बता रही हूँ कि ये जो सेल्फ करेक्शन है वो किस तरह से है, कि आपकी जिस तरफ की लैटरल शिफ्ट है वो लेग आपकी स्ट्रेट रहेगी, दूसरी टांग को उठा के आपने क्या करना है, स्टूल के ऊपर रख लेना 90 के एंगल, 90-90 एंगल बनेगा हिप और नी का। अब आप लीन फॉरवर्ड करें इस लेग के ऊपर जिसको आपने स्टूल के ऊपर प्लेस किया हुआ है, हाथ रख लें आप अपने एंकल्स के ऊपर और इसको पुल करें। जब आप पुल करेंगे तो ये ओवरऑल बॉडी आपकी क्या है, ऊपर की तरफ मूव करेगी, एलिवेट करेगी, और वो जो शिफ्ट था वो आपका क्या होगा, करेक्शन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी पेशेंट को आप सेल्फ करेक्शन बता सकते हैं। अब मेनिस्कोइड जो इम्पिंजमेंट्स हैं, जैसे कि आपके फेसेट जॉइंट्स हैं वो समटाइम्स लॉक हो जाते हैं, मेनिस्कोइड जैसे मैंने अभी आपको पहले बताया कि वो काफी पेन कॉज करते हैं और वो मसल गार्डिंग की तरफ जो है वो आपको ले जाते हैं। अब मेनिस्कोइड आपके जो टिश्यूज हैं, इफ देयर इज इंट्रैप्ड सिनोवियल और मेनिस्कोइड टिश्यू इन अ फेसेट जॉइंट दैट ब्लॉक्स मोशन इनटू एक्सटेंशन, release the trap meniscoid, relieves the pain and the accompanying muscle guarding, ठीक है। उसको आप रिलीज करेंगे through mobilization, through traction, through manipulation events, ठीक है। cervical जो spinal manipulations है वो आपके joint locking जो है उसको क्या करती है, reduce करती है। traction manually mechanically दोनों तरह से आप दे सकते हैं, और ट्रैक्शन को जब आप ऐसी पोजीशन में देते हैं जिसमें उसकी स्पेसिंग जो है वो पहले से आप उसको बढ़ा लें तो वो आपको ट्रैक्शन का फायदा ज्यादा रहता है, ठीक है जी। अच्छा, थोड़ा सा बस रह गया लेक्चर, उसके बाद इंशाल्लाह ये खत्म है। मैनेजमेंट आप कब, जब आपके एक्यूट सिम्टम्स जो है वो आप स्टेबलाइज कर गए हैं, तो आप किस तरफ लेके जाएंगे,
हाइपोमोबाइल जॉइंट्स को स्ट्रेचिंग की रिक्वायरमेंट होगी, जाहिर सी बात है आप उनको स्ट्रेचिंग करेंगे, बट नॉट इफ द टेक्निक स्ट्रेसेस अ हाइपरमोबाइल रीजन. ये ध्यान रखना है आपने. आपको पता है कि एक अगर सेगमेंट हाइपोमोबाइल है तो आसपास के हाइपरमोबाइल हो जाते हैं. तो आपकी जो टेक्निक्स हैं वो इस तरह की होनी चाहिए कि आपका सिर्फ या तो आप हाइपरमोबाइल जो स्ट्रक्चर्स हैं, सेगमेंट्स हैं, उनको आप किसी तरह से स्टेबलाइज करें और फिर आप वो टेक्निक्स अप्लाई करें ताकि स्ट्रेचिंग का इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ हाइपोमोबिलिटी के ऊपर आए, हाइपरमोबाइल स्ट्रक्चर्स के ऊपर ना जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी हाइपरमोबाइल है, मजीद हाइपरमोबाइल होकर इंस्टेबिलिटी कॉज कर देंगे. तो ज्वाइंट मोबिलाइजेशन इन सिलेक्टिव फेसेट ज्वाइंट्स, अगेन वही बात, जो हाइपोमोबाइल है उनकी मोबिलाइजेशन रिक्वायर्ड है, हाइपर की तरफ आपने मोबिलाइजेशन पे नहीं लेके जाना. स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ट्रंक, हिप, शोल्डर, गर्डल मस्कुलेचर रिक्वायर सिलेक्टिव स्ट्रेचिंग एंड स्ट्रेंथनिंग. अगर तो बोनी चेंजेस हैं और लाइक ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन वगैरह हुई भी है तो पेशेंट को हाइपर एक्सटेंशन जो एक्टिविटीज है उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऑस्टियोफाइट फॉर्मेशन आपकी विद एक्सटेंशन मूवमेंट वो इम्पिंज करती है आपके फोरामिनास को, रिड्यूस करती है, स्पेसिस को रिड्यूस करती है, और आपके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो इम्पिंज करके आपको फिर क्या करते हैं, पेन कॉज करते हैं. For patients with RA, emphasis is on stabilization and control because the potential instabilities from necrotic tissue and bone erosion, subluxation and dislocations, बार बार चीजें repeat हो रही हैं ताकि आपको अच्छे से चीजें जो है वो समझ में आ जाए. तो ये हमारी जो management थी spinal disorders से related, ठीक है, ये सारी हमने आज discuss की हैं. इसमें अगर कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो वो पूछ लीजिए. सारी चीजें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वही थी जो हमने पहले डिस्कस की हुई, ठीक है. जनरल में हमने यही सारी चीजें जो है वो ज्यादा डिटेल से डिस्कस कर ली थी. आज उसकी मजीद थोड़ी बहुत डिटेल हमने आज और डिस्कस की. कोई प्रॉब्लम है तो बेटा पूछ लीजिए. अगेन रिमाइंड करा दू, शाम को 6 बजे आपका क्विज है. बेसिकली मैं खुद को भी रिमाइंड करा रही हूँ, मैं कहीं मैं ना भूल जाऊं. मैम आप किस सेशन में अपलोड करेंगी? किस सेशन में अपलोड करूंगी? बिल्कुल स्टार्ट में बेटा आपके जो अनाउंसमेंट्स का सेक्शन है वहीं पे आपका जो है वो होगा, वहीं पे आपको. मैम हमें जरा टाइम थोड़ा सा ज्यादा दीजिएगा क्योंकि LMS अक्सर लॉग आउट हो जाता है और LMS के बहुत इशू हो जाते हैं. LMS बिल्कुल लॉग आउट नहीं होगा, टेंशन ना लें, लेकिन टाइम आपके पास होगा, ठीक है, परेशान ना हो, टाइम होगा, लेकिन LMS के वो जो लॉग आउट वाले इश्यूज थे ना वो रिजॉल्व हो गए. मैम बेटा मैम कौन से सेशन में अवेलेबल होगा क्विज? बिल्कुल स्टार्ट में, अनाउंसमेंट्स में. ओके मैम. चलिए फिर सिनेरियो बेस्ड है तो टाइम कम नहीं, बिल्कुल नहीं, 5 मिनट एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा होते हैं. ऐसा कौन सा कोई PhD का मैंने सवाल पूछ लेना, PhD का मैंने खुद नहीं की वो सवाल मैं कैसे बनाऊंगी, तो टेंशन लेने वाली कौन सी बात है, आसान ही होगा, कोई बात नहीं, ठीक है. चलो अभी ऐसे करो, जाओ छुट्टी करो, जाके थोड़ा बहुत कोई पढ़ना है पढ़ो, रिवाइज करो, जो भी आप लोग करना चाह रहे हैं. अभी थोड़ा 15 मिनट हमारे पास टाइम है तो आज क्लास जल्दी खत्म कर लेते हैं, ठीक है. स्टेटमेंट लेंथी तो नहीं, स्टेटमेंट सिनेरियो की लेंथी ही होती है क्योंकि उसमें आपको पूरी स्टोरी सुनानी होती है. पेशेंट आया, वो ऐसा था, उसकी ये कंडीशन थी, उसके ये सिम्टम्स थे, हमने चेक किया, उसको ये प्रॉब्लम निकला, ठीक है. तो स्टोरी तो हो जाती है ना, लेंथी तो थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन 2 मिनट है मैम, स्टेटमेंट में 2 मिनट निकल जाते हैं पढ़ते पढ़ते. बड़ी तुम लोग की स्लो जो है वो रीडिंग है, कोई हया करो इतना तो. हम लोग समझ रहे होते हैं ना सिनेरियो में कि इसमें पूछा क्या हुआ है, क्योंकि हमें समझ ही नहीं आता कि स्टेटमेंट में पूछा क्या हुआ है, हमेशा यही सिनेरियो का इशू होता है. अच्छा टाइम आपके पास काफी होगा, परेशान नहीं, ठीक है, टाइम होगा अच्छा खासा. चले लेक्चर को एंड करते हैं बेटा, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और होपफुली आप लोगों का क्विज जो है वो अच्छा हो जाएगा. बेस्ट ऑफ लक और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है. क्विज की बेटा ये वाले जो सवाल है ना कि क्विज की कितनी परसेंटेज है, ये आपको ऐसे सवाल नहीं करने चाहिए. क्यों? क्योंकि आपका असेसमेंट प्लान डिस्कस भी हुआ हुआ है, आपको ईमेल पे भी आया हुआ है, आपके LMS पे भी है,
तो काइंडली टाइम निकालिए और जाके LMS पे देख लीजिए कि क्विज की परसेंटेज क्या है। ग्रुप में भी किसी ने भेजा है जनाब, ठीक है। तो बहरहाल आपका क्विज जो है वो 10% का है, बता देती हूँ, बट एक दफा खोल के देख लीजिएगा। चलें, अल्लाह भला करे आप लोगों को, अल्लाह खैर करे आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ बेटा।